जशपुर में बीजेपी विधायक रायमोनी भगत पर ईसाई समाज के खिलाफ विवादास्पद बयान देने का आरोप लगा है, जिसके खिलाफ पूरा ईसाई समाज लामबंद हो गया है और ईसाई आदिवासी महासभा न्याय यात्रा निकाल रहा है। इस पद यात्रा की शुरुआत शनिवार सुबह जशपुर के शांति भवन से हुई, उसके बाद ये यात्रा जशपुर से कुनकुरी होते हुए कायकछार तक पहुंची। ये न्याय यात्रा 27 अक्टूबर को सीएम निवास बगिया पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपने वाली थी, लेकिन इस न्याय यात्रा में शामिल लोगों को लोरो घाटी के पास पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। इस दौरान ईसाई समुदाय के लोगों ने जशपुर विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समुदाय के लोगों के द्वारा विधायक रायमुनि भगत की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग यूट्यूब चैनल। ये नेशनल हाईवे क्रमांक 43 है, जहां पे एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा न्याय यात्रा आस्था से बगिया तक निकाला जा रहा है और न्याय यात्रा आज दरअसल नेशनल हाईवे क्रमांक 43 लोरो के पास पहुंचा है और एक विशेष समुदाय के द्वारा रायमुनि भगत के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध कराने के लिए पिछले दो महीने से लगातार प्रयास कर रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस वालों की काफी भीड़ है और एक विशेष समुदाय के लोग संख्या काफी संख्या है और यहाँ पे पुलिस वाले बैरिकेड लगा करके रखे हैं और उनके देखिए यहाँ पे पानी का बौछार किया जा रहा है और लोगों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दमकल की जो वाहने हैं उस वाहन से यहाँ पे पानी बरसाया जा रहा है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि लोग लौट जाएं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग पानी से बचने के लिए जमीन में बैठ जा रहे हैं और यहाँ पे स्थिति काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही है। लोग यहाँ पे नेशनल हाईवे क्रमांक 43 में खड़े हैं और ये जो रैली है आस्था से रैली निकली है और 25 अक्टूबर को ये रैली निकली थी और कल शाम को ये जो भीड़ है, एक जो समुदाय के जो लोग हैं, ये सारे के सारे लोग कल 25 तारीख को कुनकुरी जशपुर में रुक गए थे और आज इनका कुनकुरी में रुकने का प्लान है और 27 तारीख को ये जो लोग हैं, एक जबरे समुदाय के जो लोग हैं, ये कल बगिया पहुंचेंगे और अपनी मांग रखेंगे, ऐसा समाज के लोगों का बोलना है। और आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल तैनात है और इस भीड़ को रोकने का प्रयास पुलिस कर रही है।